चलिए मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, एक बार के लिए इन तथ्यों पर आपकी नजर पड़े। साथियों, एक खबर से प्रकाशित हुई थी लास्ट ईयर इसी समय में लगभग, क्या कि भारत में 22 करोड़ गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी 2014 से लेकर 2022 के बीच में। कितनी? 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस सरकार को प्राप्त हुई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2022 तक कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली। जवाब है 7.22 लाख लोगों को। अगर आप परसेंटेज वाइज भी निकालें तो पता नहीं कितनी जीरो के बाद किसी एक बच्चे को जाकर नौकरी मिली, जाने हजार में जाने लाख में जाकर किसी एक को नौकरी मिली। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सीधा है कि आप में से जितने भी लोग इस समय बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी में गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन सही मायने में गवर्नमेंट के पास जॉब आपके लिए नहीं है। यह मैं नहीं कहता, जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए। रिपोर्ट है विद डिग्री बट नो स्किल यूथ क्वेश्चन कंट्रीज फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। साथियों, इस प्रकार का विभिन्न एजेंसीज द्वारा सैंपल सर्वे कराकर रिपोर्ट किया गया है, और वो क्या है कि हमारे देश में लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। स्किल से मैं आपको जानकारी दूं, हमारे देश में 80% इंडियन इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयबल हैं। अनएम्प्लॉयबल मतलब वो अपनी डिग्री लेकर आपके सामने पहुंच तो जाएंगे लेकिन उनके पास में कोई स्किल नहीं है। उन्हें नहीं पता कि किस प्रकार से पीपीटी बनाई जाती है, उन्हें नहीं पता वर्ड फाइल पर काम कैसे किया जाता है, एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है, या फिर किसी एप्लीकेशन का उपयोग कैसे किया जाता है। उन्हें नहीं पता, उनको कोई भी एडिशनल एप्लीकेशन जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज में शामिल है, अगर एडिटिंग की बात की जाए तो फिल्मोरा या जो भी एप्लीकेशन इस समय मार्केट में प्रचलित हैं, वो उन्हें नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट कहती है, आप देख सकते हैं, और सच्चाई भी है। हमारे 5 में से 1 इंजीनियर के पास में एम्प्लॉयबिलिटी है, यानी वो काम करने लायक है। 4 में से 1 MBA काम करने लायक है। 10 ग्रेजुएट में से 1 बच्चा काम करने की लायक स्थिति में है। मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम में से ना जाने बहुत सारे लोगों को स्किल्स ही नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयबल रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, वो अप्रैल में बढ़कर 8.11% तक पहुंच गई थी। हमारे पास स्किल नहीं है। कौन सी स्किल होनी चाहिए सर, किस स्किल की आप बात कर रहे हैं जिससे हमें जॉब मिले? साथियों, जितने भी प्रकार के प्राइवेट सेक्टर्स हैं, चाहे फिर वो शोरूम में हो या फिर वो किसी होटल में हो या फिर किसी हॉस्पिटल में हो या कहीं स्कूल में हो, कहीं पर भी अगर सर्विस सेक्टर काम कर रहा है, उनकी पहली और बुनियादी आवश्यकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम तरीके से हो, आपको पता हो कि आपको खुद को कैसे अभिव्यक्त करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। संभवतया ये हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी ना मिली हो, लेकिन आपके लिए ये एक मौका है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपदा में अवसर है। बहुत सारे लोग भीड़ में से निकलकर खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों की जरूरत इन सभी प्राइवेट सेक्टर में, जितनी भी सर्विस सेक्टर्स हैं, इन सबको है। चाहे फिर सर्विस सेक्टर के नाम पर आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, चाहे आपको उठाना है, आपको लगता है कि मैं कौन सा सर्विस सेक्टर दूं, आप टूरिज्म उठा लीजिए। आप टूरिज्म में हैं, आपको एक सामने से बहुत बड़ा ग्रुप आया है जो आपका क्षेत्र घूमने आया है, आपका देश, आपका राज्य घूमने आया है, आप उसके सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, आपको ना तो लहजा है ना अपने आपको अभिव्यक्त करने का तरीका आता है, आपको आपकी मातृभाषा से, आपकी मातृभूमि से प्यार है, किसने मना किया है? जैक मा को भी चीनी होने से प्यार था, लेकिन उसने अंग्रेजी सीख करके सबसे पहले टूरिस्ट गाइड का काम किया था, और आज आप देख लीजिए कि जैक मा चीन का सबसे टॉप मोस्ट पैसे वाला व्यक्ति रहा। समझिए इस बात को, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमारी सबसे पहली और बुनियादी आवश्यकता, हम प्रेजेंटेबल नहीं है। हमें अगर आप 10 लोगों के सामने खड़ा कर दें तो हम बोल ही नहीं पाएंगे कि हमें बोलना क्या है। सर, ये कहां सीखना पड़ता है? घर से। आपकी घर प्राइमरी नर्सरी है, आप अपने परिवारजनों के बीच में, जहां पर आपके घर के लोग इकट्ठे हों, उनके बीच में मौका पाकर अपनी बातें रखिए, प्रेजेंट करिए, लोगों को एंगेज करिए अपनी बातों में, बताइए कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, दुनिया में यह चल रहा है, आप बोलिए ना। मंच आपको तलाशना पड़ेगा, देश में हर जगह कट थ्रॉट कंपिटिशन है, लोग आपको हटाकर दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं, आपकी जगह पहुंचना चाहते हैं, प्रेजेंट करिए अपने आप को। आप हिंदी से ही शुरू कर दीजिए, आपकी मातृभाषा से शुरू कर दीजिए, इवन आपकी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसी में अपने आपको प्रेजेंटेबल तो बनाइए। सबसे पहली चीज जो बिना चूना और फिटकरी लगे हो सकती है, वो अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने अंदर की लीडरशिप स्किल को अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने अंदर विकसित करना है। पहला काम जो आप अपने अंदर कर सकते हैं जिससे
आपको बहुत सारे सर्विस सेक्टर जॉब के लिए एम्प्लॉयबल पाएंगे कि हां यह व्यक्ति इस टीम को लीड कर सकता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है, हालांकि इसे स्किल में काउंट नहीं किया जाता, इंग्लिश स्पीकिंग। आप कहेंगे सर अगेन अंग्रेज चले गए आपको छोड़ गए, बिल्कुल मुझे छोड़ गए और मेरे जैसे दो चार लोगों को और छोड़ गए जिन्हें चिंता है आप लोगों की, जिन्हें चिंता है कि आप लोग आज भी कहां चैलेंज में हैं, क्योंकि ये देश रातों रात नहीं बदलने वाला है। आपको लगता है कि रातों रात एक सपना आएगा, सर अंग्रेजी नहीं हिंदी में बात करिए, मातृभाषा दिवस की बात करिए, हिंदी दिवस की बात करिए, करिए ना, किसने रोका है आपको, हिंदी में अच्छा बनिए, आपको किसने रोक रखा है। लेकिन अगर आपकी जरूरत इंग्लिश की है तो आपके पास आना चाहिए ना। आज के समय में अगर आपको रोजगार चाहिए, रोजगार में सबसे पहला आप प्रेजेंटेबल नहीं है, नंबर दूसरा प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर चार शब्द, मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा, बीटेक किए हुए बच्चे जो मेरे सामने आए थे, मैंने केवल उनसे यह डिमांड किया कि आप जहां से चलकर यहां तक पहुंचे हैं केवल इस बात को इंग्लिश में बोलकर सुना दीजिए, आप अपनी यात्रा का वृतांत बता दीजिए, जिस शहर के आप रहने वाले हैं उसके बारे में पांच बढ़िया सी लाइनें लिखकर मुझे दिखा दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, बेहद निराशा हुई मुझे इस बात में, उनको यह तो था कि वो बोल सकते हैं लेकिन अंग्रेजी, तौबा तौबा। मुझे फिर यह एहसास हुआ कि ये जितने भी लोग अंग्रेजी से डर रहे हैं इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं, या तो सोसाइटी ने उन्हें मौके नहीं दिए या समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन साथियों, जिस दौर में आप मुझे सुन सकते हैं, इंटरनेट पर मेरे जैसे लोगों को जान सकते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ना जाने कितने ही लोग आजकल लिए ज्ञान दिए पड़े हैं अंग्रेजी का, कि उनसे अंग्रेजी सीख लो। मुफ्त में अंग्रेजी सिखाने के लिए कितने ही यूट्यूबर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं। आपको सीखना है, दुनिया में आगे निकलना है, आप खुद से विचार कीजिए कि क्या कर सकते हैं। नंबर तीसरी चीज साथियों, आपको अपनी बातें लिखना नहीं आता है, राइटिंग स्किल्स। आप कहेंगे सर ये तो आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बात हो गई, अरे आप किसी भी प्रोफाइल पर चले जाइए, अगर आपसे ये कह दिया जाए ना कि आप कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए, लीजिए आप किसी शोरूम में हैं, आपको लगता है कि शोरूम में जॉब यूं ही होता है, अरे जाइए ना आप मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ऑडी इनके शोरूम में जाइए, आपको पता चलेगा यहां के लोगों की सैलरी 40-40, 50-50 हजार रुपए होती है, जॉब श्योरिटी के साथ होती है, प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग सेंस, जॉब सिक्योरिटी सब होता है। आपसे कहा गया कि एक अच्छा सा ब्लॉग लिख दीजिए इसके ऊपर, ब्लॉग छोड़िए आप एक अच्छा सा निबंध नहीं लिख पाएंगे। स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं, राइटिंग स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं, और क्या किया जा सकता है साथियों। आज के समय पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। सर बहुत महंगा है कंप्यूटर, हम कैसे लें। आपने मोबाइल खरीदा था, क्योंकि आप डेफिनेटली मुझे मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपने 10-15 हजार का मोबाइल खरीदा होगा, संभवतः 10-15 हजार रुपए का अगर आप डाउन पेमेंट करेंगे ना तो एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर खरीदने की स्थिति में भी आ जाएंगे, भले ही किस्तें बनानी पड़ जाएं। सर कंप्यूटर खरीद के क्या करेंगे, हम तो मूवी से ही पार नहीं पड़ते, क्योंकि आपको व्यस्त रखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो जियो सिनेमा मुफ्त में ही ज्ञान दे रहा है, अमेजन प्राइम है, जी न्यूज, जी सिनेमा, क्या क्या सिनेमा चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है। आपको लगता है लैपटॉप खरीद लिया बढ़िया मूवी देखेंगे, बढ़िया गाना चलाएंगे, समय बच गया तो वीडियो गेम खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करिए। आप अपने सही संसाधनों का सही उपयोग कीजिए, समय निकाल करके सीखिए। दुनिया में इस समय जो ज्ञान की गंगा बह रही है, देखिए इंटरनेट समय खत्म करता है आपका, ये सच बात है, लेकिन इंटरनेट का जिसने सही से उपयोग कर लिया ना, वो उसी समय को खर्च करके पैसा भी कमा सकता है। यदि आपको लगता है कि कोई स्किल आपको नहीं आती है, नेट पर जाइए ना, सीधा सा बात डालिए कि हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग, सर्च मारिए ना, आपको एडिट सिखाने वाले लोग आ जाएंगे। आप जाकर सीखिए तो सही कि कैसे एक्सेल शीट बनाते हैं, जाइए तो सही, कैसे टाइपिंग सीखते हैं, जाइए तो सही। आपको तमाम प्रकार की स्किल कंप्यूटर खुद सिखाएगा, इंटरनेट आपके लिए क्रांति ला सकता है, लेकिन हम और आप क्या करेंगे। अगर कंप्यूटर है, धो पहुंच के उसका उपयोग करना है तो किस काम के लिए करना है, उठाया और मूवी देख लिया, या फिर किसी ने रिकमेंड किया कि यह काम कर लो तो कर लिया। अपने आप से अपने आप को इस दिशा में लेकर जाइए, कोई भी सॉफ्टवेयर लर्न करिए। आज इतना आसान है ज्ञान प्राप्त करना। आपको लगता है कि मुझे, आपके मन में आया कि यार मुझको ना ग्राफिक्स सीखना है, कि ये पिक्चर ऐसी बनी कैसे, गूगल पर करिए, गूगल पर इतना नॉलेज डला हुआ है, गूगल से लोगों ने सीख सीख कर, चैट जीपीटी पर जाइए, बार्ड पर जाइए, इतना एआई आ चुका है, सीखिए। आप अपने अंदर कोई कला डेवलप करिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत ही नॉमिनल एज में बच्चे 16-16 साल की उम्र के अंदर बच्चे बहुत शानदार वीडियो एडिटिंग करके, बहुत अच्छे से चीजों को बना करके हजारों रुपया कमा रहे हैं, अपने घर के लिए काफी अच्छे से समृद्धि लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इंटरनेट की वजह से आने वाला समय बहुत ही ग्रीन है, आने वाले समय में बहुत कुछ संभव है, तो क्यों नहीं आप इसके अनुरूप कुछ सीखते। इसके लिए क्लासेस की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पर बैठे लोग कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं आपको।
सही आवश्यकता के साथ निकल कर आइए, आपको चीजें समझ में आएंगी। आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर सीख सकते हैं, आपको लगता है कि आपको कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आते हैं, आप सीख सकते हैं। एडिटिंग के अंदर तो इतना स्कोप है, आज आप मेरे जैसे यूट्यूबर्स को वीडियो के माध्यम से सुनते रहते हैं, लेकिन कितने सारे वीडियो देखते हैं आप जिनमें आपको दिखता है कि सामने वाले ने एडिट किया होगा। अरे आप बनिए ना वन स्टॉप सॉल्यूशन, आप जाइए ना अपना सैंपल किसी को मेल के माध्यम से भेजिए ना, वो आपको मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा रिसोर्स लगाइए, जो हम अपने चाहत के कपड़ों पर, चाहत के फोन पर पैसे खर्च करते हैं, उसे दिशा बदल दीजिए। आप सही से चीजों का उपयोग करिए, बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। और तो और ना जाने कितनी सारी कंपनीज अलग अलग तरह का, कोई डेटा एनालिसिस सिखा रही है, कोई ग्राफिक्स सिखा रही है, उनका उपयोग करिए, समय की पहचान सीखिए। आपको लगता है कि मैं हिसाब रखने में अच्छा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसी स्थिति में आप अकाउंटिंग पर फोकस करिए, ऑडिटिंग सीखिए। अकाउंटिंग में कोई भी आपको टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी है, टैली जैसे एप्लीकेशंस हैं उनकी जाके क्लास लगा लीजिए। आज हर किसी छोटे से छोटे ऑफिस को आप पूछेंगे सर जॉब मिलती कहां है, जाना कहां होता है, अरे भैया एक दिन ढंग से अपने आप को तैयार कीजिए, पैंट शर्ट पहनाइए और ज्यादा कुछ नहीं, एक बढ़िया से शहर में चार बड़े बड़े शोरूम में किसी अच्छी जगह एंट्री कर जाइए। आपको देखकर, आपकी अभिव्यक्ति से, आपकी कला को जानकर वो निश्चित ही आपको ठहरा कर कहेगा कि भैया आपके लिए ये काम है, आप यदि ये काम कर सकते हैं। आज हर जगह पर अच्छे व्यक्ति की कमी है, आप होटल में चले जाइए वहां आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छी सर्विसेज के लिए वो तलाशते हैं कि कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिसकी अच्छी इंग्लिश हो, प्रेजेंटेबल हो, आज वो किसी डेस्क पर खड़ा हो जाए तो अकाउंटिंग कर ले, उन्हें तलाश है। होटल में जाइए, टूरिज्म सेक्टर आपके लिए इंतजार में खड़ा हुआ है, इवन आपको लगता है किसी मॉल के अंदर जाना है वहां पर सर्विस इंचार्ज आपको बनाया जा सकता है, आपके लिए जॉब इतनी है। आप किसी के रेफरेंस का इंतजार मत करिए, तैयार होइए, आपको कोई कला आ गई है, शहर में निकल जाइए। आप यकीन मानिए दिन भर में आपके पास इतने जॉब ऑप्शंस होंगे, जॉब कब नहीं होती, आप जाते हैं, आप बताते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी, बीए, बीए, बीकॉम और ये एमए किया हुआ है, बेटा इसके अलावा क्या आता है, सर इसके अलावा तो कुछ नहीं आता, तो बेटा आपको क्या कराया जाए, फिर आपको कुछ नहीं आता, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको लिखना नहीं आता, आपको ढंग से 10 लोगों के सामने बोलना नहीं आता, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, एक्सेल शीट बनाना ही नहीं आता, पीपीटी आपको नहीं आती, आपको अकाउंट मैनेज करना नहीं आता, क्या यूज करूं मैं आपका? आप ड्राइवर बन जाएंगे, आप बॉडीगार्ड बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना, क्योंकि पढ़ाई की है, आपका आत्मसम्मान आपको अलाउ नहीं करता है। फिर टेक्निकल चीजें जो सीखने वाले लोग हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा है वो अच्छी बात है, वो तो कन्वेंशन का पार्ट हो चुका है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके लिए कहीं एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन दाखिला लेने की जरूरत नहीं है कि अकाउंटिंग सीखनी है तो सीए बनना पड़ेगा, नहीं भाई, आप गूगल करिए ना, आपको आसपास के क्षेत्र में टैली सिखाने वाले 10 लोग मिल जाएंगे, वो सिखाएंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है। गूगल करिए ना, आज ही आपको सीखने में मिल जाएगा वर्डप्रेस पे कैसे काम करते हैं, वेबसाइट बनाना सीख लीजिए, तमाम लोग बैठे पड़े, कहीं कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आपकी जरूरत के लिए लाइन लगाकर बैठे। इसीलिए तो कह रहा हूं हर चार, हर पांच में से एक ही इंजीनियर काम का है, हर 10 ग्रेजुएट में से एक ही व्यक्ति काम का है, हर 4 एमबीए में से एक व्यक्ति काम का है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी डिग्री लिए घूम रहे हैं, सर मैंने ये डिग्री ले ली, आता क्या है सर, कुछ नहीं आता। संभल जाइए, मैं आपको एक अच्छी नसीहत दे रहा हूं। साथियों काम कोई छोटा नहीं होता, मैं बार बार जैक मा को अपने लिए प्रेरणा के रूप में मानता हूं कि उस व्यक्ति ने चीन के अंदर एक गाइड से चीन के सबसे बड़े पैसे वाले आदमी का सफर तय किया। काम कोई छोटा नहीं होता। अरे और भी कुछ नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र को पहचान सकते हैं, हो सकता है आप में से किसी को कोई कलाकारी आती हो, वो क्राफ्ट में अच्छा हो, वो अगर क्राफ्ट में नहीं है म्यूजिक में अच्छा हो, अपने क्षेत्र को पहचानिए जिसमें आप अच्छे हैं, उसे और एक्सप्लोर करिए। बहुत से लोग आप में से यूट्यूबर बनने की चाह रखते हैं, अब कंपटीशन ऑलरेडी इतना हो चुका है यूट्यूब पर कि आपके पास जब तक कुछ अलग नहीं होगा आपको कोई भी स्पेस नहीं देगा। कट थ्रॉट कंपटीशन चला है, हर आदमी यूट्यूब पर सोचता है कि वो आज यूट्यूबर बन जाएगा, हर किसी के मन में ये ख्याल है कि अरे यूट्यूबर की जिंदगी तो बहुत अच्छी होती है। भाई सारा चैन नींद सब खोना पड़ता है तब जाकर के आपको थोड़ी सी पहचान मिलती है, आपको अपना सारा सुकून, आपका अपना घर परिवार सब खोना पड़ता है। आपको क्या लगता है नित्य डेली मैं आपके सामने कम से कम 5 से 6 बार किसी ना किसी माध्यम से, या तो एप्लीकेशन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आता हूं, क्या मेरी लाइफ में और काम नहीं चल रहे हैं क्या? सर वो तो सबके चल रहे हैं। नहीं, यूट्यूब पर अगर आना है ना तो आने से पहले की जो प्रिपरेशन है, जो दिखाई नहीं देती, वो बहुत मायने रखती है। आपके एक सेशन में आने से पहले मिनिमम 6 से 7 घंटे तो कंटेंट टीम काम करती है, एक आध घंटे मुझे उसके बारे में प्रिपेयर होना पड़ता है, तब जाकर मैं 20 मिनट के सेशन के लिए प्रेजेंट होता हूं। आपको लगता है जो व्लॉगर्स बने घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, हाय दोस्तों आज हमने ये कर लिया, ये यूं ही काम है क्या? उनकी कंसिस्टेंसी देखिए, चाहे किसी भी व्लॉगर को उठा लीजिए,
कंसिस्टेंसी देखिए कि वो एक ही काम को निरंतर लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें जो एफर्ट लग रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है वो कर रहे हैं, घर परिवार बिखरा पड़ा है कर रहे हैं, काम कोई आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बेड पर लेटे रहेंगे, कोई आकर आपके लिए कमा के चला जाएगा, नहीं हो पाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो मैं आपको सीख दे रहा हूं, संभवतया ये मंत्र का काम करेगी आपके लिए। अगर आप में से इतने सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इनमें से अगर 10 लोग भी इस चीज को अपने जीवन में अपना गए, तो संभव है कि वो एम्प्लॉयबल होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। और सबसे अंत में पेशेंस के साथ ये सारी चीजें सीखिए, अधीर मत होइए, अपने अंदर का पेशेंस मत खोने दीजिए कि मुझे आज ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी काम में लग रहे हैं लंबे समय तक लगिए, एक स्किल डेवलप करिए, एक सिंगल स्किल। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई, इनमें से अगर एक भी स्किल आप कभी डेवलप कर लेना, आप मेरे पास ही आ जाना, आपके लिए मैं ही कोई ना कोई रास्ता तैयार कर लूंगा, आप मेरे ही काम के हो जाएंगे, ये तय मानिएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुड थिंग्स जो होती हैं वो समय लेती हैं, इसलिए आप कंटिन्यू करिए अपनी चीजों को, नई स्किल्स को सीखना, कंटिन्यू करिए पढ़ना। सरकारी नौकरी मिलती है, अच्छी बात है, मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यार 22 करोड़ लोगों में से 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, बाकी क्या करोगे? जॉब चाहिए ना, घर वालों के काम पूरे करने हैं ना, करने के लिए कुछ सीखो बेटा, साथ साथ सीखो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, 1 घंटे रोज खुद को दो इंग्लिश बोलने के लिए। लोग हंसे, हंसने दो, वो तो तब भी हंसेंगे जब आप कुछ नहीं बनोगे, कुछ अपने लिए करो, है ना। उम्मीद है आप सभी साथी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात से किसी को इस बात का बुरा ना लगा हो।